नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और अभी जो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में रेलवे सर्विस से जुड़े जो लीव रूल हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में LAP, LHAP, कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आगे जितनी भी प्रकार की छुट्टियां भारतीय रेलवे कर्मचारियों को मिलती है उनके लिए आगे के 4 या 5 सेगमेंट होंगे। 5 सेगमेंट में मैं अपने इस चैनल पर 5 वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा ही दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, बिना टाइम गवाए आगे हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेल सेवा उदारीकर छुट्टी नियम 1949 के बारे में। तो दोस्तों, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये नियम किस पर तो लागू होता है और किस पर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये नियम आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 फरवरी 1949 के बाद जितने भी रेलवे कर्मचारी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन पर तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। और जो एम्प्लॉई 1 फरवरी 1949 के पहले अपॉइंटेड है उन पर ऑप्शन था कि वो इस नियम के अंतर्गत छुट्टियों का लाभ ले सके। और जो इस अस्थाई रेलवे कर्मचारी जिसने 3 साल की सेवा रेलवे को दे दी हो तो वो भी इस नियम के अंतर्गत छुट्टियों का बेनिफिट ले सकता है। आगे दोस्तों, इनका जो क्लासिफिकेशन है छुट्टियों का वो इस तरीके से है, अर्नड लीव, अर्जित अवकाश, विशेष अवकाश और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केवल ये जो अर्जित अवकाश है इनके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से, कौन सी लीव किस नियम के तहत और कितनी कब कैसे ली जा सकती है और कौन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसमें आती है LAP। LAP मीन्स लीव ऑन एवरेज पे औसत वेतन अवकाश। LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे अर्ध वेतन औसत अवकाश। कमिटेड लीव यानी समपरिवर्तित लीव, लीव नॉट ड्यू। तो दोस्तों, ये जो दो लीव है कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू, ये LAP और LHAP है, इन्हीं के परिवर्तित रूप हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में भी। दूसरा है इधर मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, हॉस्पिटल लीव, स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इन स्पेशल लीव के बारे में अगला वीडियो आएगा क्योंकि एक पार्ट में सारी चीज़ों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। सो मैंने डिसाइड किया है कि इनको 3 पार्टों में मैं आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लीव ऑन एवरेज पे औसत वेतन अवकाश के ऊपर, जो इंडियन रेलवे लिबरलाइज्ड लीव रूल्स 1949 के रूल नंबर 523 के अंतर्गत आता है। इसके तहत कहा गया है कि इसमें एक कैलेंडर ईयर में एक कर्मचारी को 30 दिन का अवकाश मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? 15 दिन की जो लीव रहेगी वो 1 जनवरी को और 15 दिन की 1 जुलाई को कर्मचारी के अवकाश खाते जो लीव अकाउंट है उसमें एडवांस में क्रेडिट करती जाएगी। मीन्स अब आप देख सकते हैं कि 15 दिन की जो लीव है 6 मंथ के लिए है, तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का कितना आया? 2.5 दिन, 1/2 दिन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में 1/10 की कटौती की जाएगी, जो अधिकतम 15 दिन हो सकती है। ये जो लीव है LAP, ये कैरी फॉरवर्ड होती है,
यानी इस साल आपको सपोज 30 दिन का अवकाश मिला और आपने एक भी दिन का यूटिलाइज नहीं किया, तो ये 30 दिन आपके खाते में ऐड होकर के नेक्स्ट ईयर पहुंच जाएंगे, तो 1 जनवरी को आपके खाते में कितना लीव हो जाएगा, 45 दिन। ओके, अगर आपने इस साल कुछ यूटिलाइज किया है तो उतना कम रहेगा। मैक्सिमम लीव ग्रांटेड LAP एक बार में आप किसी भी एम्प्लॉय को 180 दिन की ग्रांटेड हो सकती है, कि स्पेशल कंडीशन जो स्कूल स्टाफ रहता है, रेलवे स्कूल स्टाफ, उनके लिए थोड़ा स्पेशल केस है, क्योंकि उन लोगों को 10 दिन का ही एक साल में लीव मिलता है, साथ में वेकेशन उनको जो मिलता है उस वजह से केवल 10 दिन का LAP मिलता है। और रिड्यूस फॉर EOL के केस में 1/3 सॉरी LHAP की बात करें हम, LAP का हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी LAP जैसा ही है, यानी लीव ऑन एवरेज पे के समान ही है, बस इसमें थोड़ा अंतर है। एक साल में 20 मिलेगी, कैसे मिलेगी, 1 जनवरी को 1 जुलाई को मिलेगी, 20 मिलेगी तो 10 दिन की 1 जनवरी को और 10 दिन की 1 जुलाई को, इस तरीके से आपको 5/3 पर मंथ के हिसाब से आपको ये लीव मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लीव के केस में 1/18 की दर से काटी जाएगी। अधिकतम एक बार में 24 महीने तक की ले सकते हैं, और इसको किसी दूसरे प्रकार की लीव के साथ में भी जोड़ा जा सकता है, केवल CL और SCL को छोड़कर। यदि कर्मचारी चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्ध वेतन छुट्टी यदि उसके खाते में है तो उसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है, तो ऐसे मामलों में कर्मचारी को अर्ध वेतन उस अवधि से दिया जा सकता है, बाकी अर्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित करने का प्रावधान है। अधिकतम इसका जो यूज है वो अधिकतम बीमारी के केस में यूज होता है, जो बीमार होते हैं तो जो सिक लीव मिलती है एज ए सिक लीव ही अधिकतर ये लीव यूज होती है। इसके बाद में दूसरा है, अगला पक्का आएगा कम्यूटेड लीव। तो दोस्तों 527 रूल में कहा गया है मेडिकल ग्राउंड पर इस लीव की कोई सीमा नहीं है, स्टडी बैकग्राउंड पर 180 दिन हो सकती है। ये होता क्या है एक्चुअली, जो आपका LHAP होता है, अभी LHAP रहेगा तो एक दिन का एक लीव कटेगा और आपका पेमेंट आधा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि उसको पूरा पेमेंट मिले LHAP के वो लिया है, तो LHAP को चेंज कर देगा, एक दिन की 2 काटी जाएगी, तो उस तरीके से जो लीव रहेगी उसको बोला जाएगा कम्यूटेड लीव, सम परिवर्तित लीव। इसमें आप देख पा रहे हैं मैटरनिटी लीव के आगे 60 दिन बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के संपरिवर्तित अवकाश दिया जा सकता है। ओके, अभी बात करते हैं लीव नॉट ड्यू। अब जिस कर्मचारी के खाते में ना तो LAP है ना LHAP है, दोनों ही प्रकार की लीव नहीं है, तो उस केस में ये लीव दी जाती है लीव नॉट ड्यू। 528 रूल में कहा गया है कि पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 360 दिन ले सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, जब दूसरे अवकाश ना बचे हों। हाफ वेतन मिलेगा, यानी LHAP के समान वेतन मिलेगा, इसमें एडवांस में सेंक्शन हो जाती है, बाद में LHAP से रिकवर होती है। ऐसा रेलवे कर्मचारियों जिसने एक साल की सेवा कर ली हो और वो किसी घातक बीमारी से परेशान है, तो उसके केस में भी लीव नॉट ड्यू सेंक्शन की जा सकती है। बाकी दोस्तों ये लीव परमानेंट रेलवे एम्प्लॉयों को ही मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, आगे हमारे आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।